उधर सना अमजद, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। अच्छा जरीश मुझे ये बताओ क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हमारे यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमला। वो टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे चले गए हैं, एडवांस्ड हैं वो। इंडिया में मेड इन इंडिया के नाम से इंडिया जाना जाता है। वहाँ पर रहने वाले लोग छोटे छोटे यूनिट्स लगा के अपना काम करते हैं, मटेरियल बनाते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जरीश मुझे ये बताओ क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हमारे यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं। हाँ जी यहीं पर तो ऐसे लोग हैं। अच्छा सही नहीं, इंडिया में आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है ना, तो मुझे लगा कि सिर्फ इंडिया 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 ही होता है। नहीं नहीं, पाकिस्तान भी बहुत डेवलप कंट्री है। हाँ ये बात तो सच है, लेकिन क्योंकि दिल है पाकिस्तानी तो पाकिस्तान से हमें प्यार है, तो हम फिर पाकिस्तान को नीचे तो ना कहीं भी कहलवा सकते हैं। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक जो देखा जा सकता है, रिपोर्ट आई है कि इंडिया जो है पॉवर्टी रेट में 1% से बिलो चला गया है, एक्सट्रीम रेट। और अगर यहाँ पर पाकिस्तान का देखें तो 39% पहले भी था और 39% अभी भी देखा जा सकता है। आप इस बारे में क्या कहोगी? पॉवर्टी रेट तो फिर हर कंट्री में ऐसा ही है, तो पाकिस्तान में भी फिर बहुत डेवलपमेंट भी हुई है और पॉवर्टी रेट भी फिर उस लिहाज से है, डेवलप्ड भी इंक्रीज़ हुआ है, पॉवर्टी रेट भी इंक्रीज़ हुआ है। तो कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट के मसाइल चलते रहते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, कभी उस पार्टी की लड़ाई, कभी उस पार्टी की लड़ाई। तो हाँ, तो ये बंदी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये बंदी क्या बोल रही है कि पाकिस्तान में डेवलप्ड भी इंक्रीज़ हुआ है, पॉवर्टी रेट भी इंक्रीज़ हुआ है। Seriously, what the fuck are you doing? डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ है और साथ में पॉवर्टी रेट भी इंक्रीज हुई है। इस बहन के लिए तो तालियां हो जानी चाहिए भैया, बिल्कुल तालियां हो जानी चाहिए। और ये पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर पाकिस्तान में ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे तो पाकिस्तान का फ्यूचर तो आपको पता है, सिर्फ जिहाद 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 जिहाद। अबे साले, जैसा कि आपने बताया है, जन्नती मर्दों को हूरे रहेंगी। जब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई, नाम जलेबी बाई, तो क्या हम औरतों के लिए कोई हूरा रहेगा? नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि हम आगे बढ़ सके? टेक्नोलॉजीज भी कम है। मैं इसी तरफ आ रही थी कि हमारे पास सहूलतें भी कम है, ऊपर से मसाइल ज़्यादा हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल और क्या कहेंगी? यार असल में इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया ने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगा ली हैं, वो अपने वहाँ के लोगों को जो है रोज़गार के मौके फ्राहम करते हैं, उन्हें मजदूरी देते हैं कि आओ भाई फ्री ना बैठो, यहाँ आकर काम करो ताकि वो अपनी रोज़गार चला सकें। और तो अगर इसके मुकाबले में हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री उस तरह से नहीं है। इंडिया में मेड इन इंडिया के नाम से इंडिया जाना जाता है। वहाँ पर रहने वाले लोग छोटे छोटे यूनिट्स लगा के अपना काम करते हैं, मटेरियल बनाते हैं, ने आपको अंगेज रखते हैं, जबकि यहाँ पर उस तरह से चीज़ें नहीं हैं। तो डेफिनेटली पावर्टी रेट इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, और पावर्टी रेट को कम करना बहुत ज़रूरी है किसी मुल्क के लिए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी इस पर काम करना चाहिए, अपने लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, उन्हें रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ्राहम करने चाहिए ताकि हम अपने मुल्क से इस गुरबत का खात्मा कर सकें, क्योंकि गुरबत एक लानत है। ये सना अमजद मैडम खुद पाकिस्तानी पब्लिक के रिव्यू लेती है, इनका यूट्यूब पे बहुत बड़ा चैनल भी है, लाखों व्यू हो जाते हैं, लेकिन ये खुद भी इंटरव्यू दे रही है और एक छोटे पत्रकारों को सपोर्ट कर रही है। इसके लिए तो थम्सअप बनता, लेकिन इन मैडम ने मुझे एक स्ट्राइक दे रखी है चैनल पे, और ये गलत बात है मैडम। आप यूट्यूबर हो और आप यूट्यूबर हो के अगर दूसरे यूट्यूबर को आप स्ट्राइक देते हो तो बिल्कुल गलत है। 90 दिन हो जाएंगे, थोड़े दिन के बाद में मेरे चैनल से स्ट्राइक हट जाएगी, लेकिन आपको क्या मिला उससे? मेरी इनकम, मेरे व्यूज, जो मेरी ग्रोथ है वो रुक गई 90 दिन के लिए। आपको क्या मिला सना अमजद जी? आप मुझे वार्निंग दे सकती थी, आप मुझे मैसेज कर सकती थी, आप मुझे ये बोल सकती थी हमारे वीडियो को हटा दीजिए, आपने हमारी परमिशन के बिना ले लिया है, नहीं तो हम आपको स्ट्राइक दे देंगे। और दोस्तों मैं आपसे सीरियसली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप सना अमजद जी को देखते हो, अगर आप इनके वीडियो पर जाते हो, तो जरूर से इनको कमेंट करके इनको ये बताइए कि आपने इंडियन मीडिया लेटेस्ट को जो स्ट्राइक दी थी आज से 2 महीना पहले, आपने क्यों दी? आप एक
वार्निंग स्ट्राइक भी तो दे सकते हैं। यूट्यूब में फीचर होता है कि 8 दिन में आप हमारे वीडियो को हटा दीजिए, नहीं आपके वीडियो आपको स्ट्राइक दे देंगे। लेकिन इन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, ये भारत से जलते हैं, भारतीय लोगों से जलते हैं, भारत से पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन कोई भारतीय अगर इनका वीडियो ले ले तो ये स्ट्राइक मारने से नहीं चूकते। और मैं विद प्रूफ दे रहा हूँ आपको, ये स्ट्राइक सना अमजद ने दी है और मैं कम से कम 10 मेल कर चुका हूँ बंदी को, कोई रिप्लाई नहीं। बस लायक है क्या, काम करने दे। पाकिस्तान का जो सबसे मेन इशू है वो हमारे हुक्मरान हैं, और जो बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पर इलिटरेट हैं, और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ जो है वो एजुकेशन की वजह से बेसिकली पाकिस्तान जो है वो लीड कर रहा है पॉवर्टी की तरफ। तो वी शुड जो है वो इन्हांस आवर एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, और जो है वो लोगों को जो है वो इस चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए कि वो लिटरेसी की तरफ जो है वो ज़्यादा जाएँ, ताकि बेहतर से बेहतर जो है वो हमारे जो नौजवान हैं अपना फ्यूचर जो है वो बेहतर से बेहतर बना सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट की हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हो। ये बंदी जब बोल रही है तो ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे कहीं से रट्टा रट के आई है और एक एक शब्द याद याद कर करके कर के बोले जा रही है और बोलने की कोशिश कर रही है। कितनी जगह हिंदी बोलने में ऐसे अटक रही है जैसे ये इंग्लिश बोल रही हो। ये तो हमारे पाकिस्तान के लोगों का हाल है, फिर कहते हैं कि हमें गलत क्यों बोलते। अबे अपने लक्षण तो देख लो, भूखे नंगे कंगलो, आगे चलते हैं। इंडिया हमसे पहले भी आगे है करेंसी के हिसाब से, आप देख लें कि उनका रुपीज़ जो है करेंसी नेम सेम चल रहा है, हमारा पाकिस्तान भी रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ है। लेकिन वो जब से यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद 14 अगस्त 1947 के बाद हमारा भी कभी डॉलर के मुकाबले मतलब अच्छा होता था, लेकिन आजकल देख लें मतलब 184 पे डॉलर चला गया है, और अगर रुपीज़ को कंपेयर करें इंडियन रुपीज़ पाकिस्तान रुपीज़ ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर चला गया है वो इंडियन रुपीस। तो आपको लगता है कि डॉलर की वजह से ये थोड़ा सा है कि हमारे यहाँ पे गुर्बत है और वहाँ पर गुर्बत नहीं है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट बहुत कम कर रहा है, और एक्सपोर्ट अब बहुत से बिरूनी इलाकों को, बहुत बड़े बड़े मुल्कों को दे रहा है। तो आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान है उसके साथ वैसे भी ताल्लुक अच्छे नहीं है, इवन के पाकिस्तान जो है इम्पोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट तो कुछ भी नहीं कर रहा, आपको इस बारे में क्या ख्याल है? यही बात है मतलब जैसे आपने जिक्र किया अभी ट्रेड फाइनेंस का, इम्पोर्ट पाकिस्तान की ज़्यादा डेफिनेटली ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। कैसे कम है मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू है मेन, मतलब फैक्ट्रीज ओपन कैसे होंगी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होंगी ना। तो बाकी चीज़ें जहाँ पे वो रिसोर्सेज ही नहीं है, फैसिलिटेट भी नहीं लोगों को किया। वो तो मैं हमेशा कहता हूँ आप भूखे नंगे कंगले हो, आप लोगों के पास कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं है आपके पास में। आपके पास में अगर कुछ है तो वो आसमानी ज्ञान है, और आसमानी ज्ञान खुद को उड़ाने की परमिशन देता है, उसी में जन्नत की हूरें मिलती है, बेहतर हूरें मिलती है। तो आप उसके अंदर नंबर वन हो और उस चीज की फुल फैसिलिटी है, बेहतर हूरें नाच रही है पाकिस्तान की हर गलियों के अंदर। पैसा बर्बाद कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को, हर टाइम में सोचना पड़ता है कि नया गाली कौन सा दूं। ये अवाम का कसूर है, मतलब हमने एक बंदे को, कोई भी चले वॉट एवर, नवाज शरीफ नहीं गया, इमरान खान था, उसको टाइम पूरा करने दिया ही नहीं। अगर हम उसको टाइम पूरा करें, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो कितने 22 अरब डॉलर एक बंदा छोड़ के गया, जिसको 10 अरब पाकिस्तानी रुपीज़ मिले थे जब वो गया, तो 22 उसने इकट्ठे किया है, उसकी प्लानिंग थी, उसने पॉवर्टी रेट को नीचे लाना था, हेल्थ कार्ड उसने दे दिया, किसान उससे खुश थे, जिम्मेदार उससे खुश। इसकी बातें सुन के पूरा यकीन हो गया मुझे कि ये इमरान खान का बहुत बड़ा वाला दायां बायां है, बोले तो चमचा। वो टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे चले गए, एडवांस्ड हैं, वो सॉफ्टवेयर में चले जाएँ, और इंग्लिश में मतलब कम्युनिकेशन एक इंटरनेशनल समझी जाती है, उसमें वो सेकंड नंबर पे अमेरिकन के बाद, तो इंडियंस मतलब इसमें बेस्ट आ रहे हैं, और इकानमी जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी बेस्ट हैं, पाकिस्तान भी बेस्ट अभी स्ट्रगल कर रहा है पर कैपिटा इनकम में। कैसे मतलब जीडीपी जो अभी आजकल तो वैसे ही पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो इसी वजह से जीडीपी का थोड़ा सा वो है। आपको क्या लगता है कि बच्चों का एजुकेशन फ्राहम की जाती है सही तरीके से? एजुकेशन सिस्टम तो बहुत अच्छा
पहले से बहुत अच्छा हो गया है, पहले से अच्छा हो गया। लेकिन अभी भी अगर हम देखा जाए तो 20 साल पुराने किताबें आज भी हम वही पढ़ते हैं जो हमारे से 20 साल पुराने, थोड़ी सी रदो बदल के साथ। तो आपकी बात तो सही है, हम अभी भी वो पुराने बच्चों को पुरानी जो हमने बचपन में पढ़ी थी, हमारे छोटे बहन भाई हमारे जो बच्चे हैं जनरेशन है वो भी इन्हीं चीज़ों को भी पढ़ रहे हैं। तो और हम इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ते हैं। इधर सिर्फ टेक्सटाइल पर ज़्यादा काम होता है जो कि ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिधर काम की ज़रूरत है। आईटी डिपार्टमेंट में अगर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए तो हमारा पाकिस्तान सबसे ऊपर जा सकता है। कोई मैसेज देना चाहोगी इंडियन व्यूअर्स को? मेहनत कर, हसद ना कर। मेहनत कर, हसद कर, मैडम ने कही है बात। मेहनत का मतलब है अपने पेट के ऊपर एक सीट बेल्ट बांधो, बम्बों से भरी हुई, बारूदों से, आरडीएक्स से भरी हुई, और जाके अपने आप को उड़ा लो पब्लिक के बीच में, बेहतर बुरे मिलेगी, यही असर होता है, असर कर। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपने देख लिया, पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगता है, पाकिस्तानियों की जहनीत में कुछ बदलाव आया है, पाकिस्तानियों की जलालत में कुछ कमी आई है? ये भूखे नंगे कंगले लोगों के बारे में बात करना, मेरे को तो ऐसा लगने लग गया कि क्या बात करना है इनसे, तो मतलब इन पे तो दया भी आती है, इन पे तरस भी आता है, और क्या ही बोलूँ अब मैं। लेकिन फिर भी ये रस्सी जल गई है, बल नहीं गया इस कंडीशन में। आज भी कई पाकिस्तानी आपको ऐसे मिलेंगे, कई क्या सारे पाकिस्तानी ऐसे मिलेंगे ऑलमोस्ट, जो ये कहेंगे ये नेस्ता नाबूद कर देंगे, लाल किले पर झंडा लगा देंगे, ये लगा देंगे, कश्मीर को ले लेंगे, ये कर देंगे, नागालैंड अलग कर देंगे, असम को अलग कर देंगे, तहरीक चलाएंगे आजादी की, भारत को 25 टुकड़ों में कर देंगे, लेकिन हकीकत में इनके पैर में हवाई चप्पल पहनने के लायक भी नहीं है ये। अरे बाबा उठा ले। तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए, आप फेंक दीजिए। और भाई साहब सुपर थैंक्स आपके भाई को मिल गया है, और प्लीज सुपर थैंक्स भर भर के दो भाई साहब, आपका प्यार चाहिए भैया, भर भर के चाहिए, सुपर थैंक्स। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।